सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। इलेक्ट्रिसिटी, आपने सबने ये वर्ड बहुत बार सुना है, ये हमारे घर में इतनी बार यूज होता है। जो हमारा जो रीसेंट टाइम है या जो मॉडर्न एरा है, उसमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। फिर चाहे वो आपके घर के होम अप्लायंसेस हो, चार्जिंग करना हो किसी डिवाइस को, या फिर कुछ भी ऐसा लाइटनिंग या डेकोरेशन से रिगार्डिंग कोई भी चीजें ऐसी हो, जितनी भी चीजें इनसे रिलेट करें, इन सब में हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसका मतलब जिसके बिना हम लाइफ सोच भी नहीं सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। ये चार्ज वर्ड को मार्क कर लीजिए, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन ट्रांसफर एनर्जी इन वेज दैट अलाउ अस टू डू सिंपल चोर्स। इट इज बेस्ट नॉन फॉर्म इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर सच एज कॉपर वायर। अब देखिए, इसका मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल पावर जो फ्लो होती है, तो उस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ट्रांसफर करती है एनर्जी, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में, चॉर्स का मतलब होता है कि जो हमारी डे टू डे टास्क होते हैं, लाइफस्टाइल है, जो भी हमारे घर के काम है या कुछ भी काम है, वो सब के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो उस चीज को करने की एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो उसमें देखिए, इट इज बेस्ट नॉन फॉर्म इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर सच एज कॉपर वायर्स। अब इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स कि करंट फ्लो हो रहा है या चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, और उसके लिए मीडियम का काम करते हैं वायर्स। हमारे पूरे घर में अर्थिंग होती है, वायरिंग्स होती हैं, तो उसके थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज और करंट फ्लो होता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ये तो था एक बेसिक सा इंटरव्यू की क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और कैसे ये है, तो ये चीजें आपको पता है, तो इसमें इंट्रो था नॉर्मल। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही बेसिक से यूजेस हैं। फर्स्ट, लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, उसके अलावा ये तो वो यूजेस हैं जो हम देखते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अप्लायंसेस हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा बेस्ड हैं, तो जो अप्लायंसेस हैं उनको भी चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके यूटिलाइजेशन, ये पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो चैप्टर है, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ थ्योरी पोर्शन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड बोला था चार्ज, इसको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, हमारे पास दो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है, विच मीन्स दैट वी गेट इट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मीन्स कि जब इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें डायरेक्ट कभी नहीं मिलती, वो एक किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, उसका एक किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स का कन्वर्जन होता है। लाइक कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल, न्यूक्लियर पावर एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। अब जो ये नेचुरल सोर्सेज हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर, ये आपका प्राइमरी सोर्स है। इनसे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो गया, जिसको आपने इलेक्ट्रिसिटी बोला। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो था, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आप इसके नोट्स लिखेंगे, तो उस टाइम पे आप जब दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको ये खुद से समझ में आ जाए और आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ वहां जाना ना पड़े, तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारी चीजें मिल जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज के लिए सिंबल होता है स्मॉल यू। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मैटर या फिर किसी एटम की, मीन्स ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे आप चार्ज कहते हैं।
और यहाँ पे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और या फिर एटम आप लिख सकते हैं। चार्ज की जब बात करेंगे तो आपके पास दो टाइप्स होते हैं चार्ज के, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। चार्ज वर्ड आपका देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें तो पॉजिटिव का मतलब है कि जब आपका चार्ज प्रोटॉन से मिलता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपकी बहुत बार रिपीट होने वाली है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, तो आप याद कर लीजिए इसको नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रॉन से मिलता है। इसके बाद में चार्ज में एक अलग से प्रॉपर्टी आती है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए इसमें लाइक चार्जेस मीन्स कि दोनों प्लस प्लस हैं, नीचे दोनों माइनस माइनस हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका है दोनों चार्जेस कौन से हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, मीन्स कि ऑपोजिट चार्जेस है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने एरोज गलत बनाए हैं, ये चार्जेस थोड़े गलत है या ये वाला चार्ज ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब कोई भी एटम जो होता है वो बेसिकली इन चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन से बना होता है ऐसे इन पे चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटोन है तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो मैंने आपको दो केसेस बताए थे अभी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की जब बात करेंगे तो प्रोटोन से कैरिड होता है और नेगेटिव चार्ज तो आपका इलेक्ट्रॉन से आता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, मीन्स की न्यूट्रल चार्ज। तो वो देखिए, एन ऑब्जेक्ट विद एन एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज इज प्रेफर्ड टू एज न्यूट्रल। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट चार्ज नहीं होता है, नेट चार्ज क्या वो अभी पढ़ेंगे हम, अगर वो नहीं होता है तो उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। मीन्स कि ना वो पॉजिटिव होगा ना ही वो नेगेटिव होगा। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, इसको सी से डिनोट करते हैं। और ये आपको जो कूलम्ब सिंबल है या इसका जो नाम है, ये इनके साइंटिस्ट के नाम पे ही आया था। ये फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे और इनका नाम था चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब, तो उन्हीं के नाम पे ये इसका एसआई यूनिट पड़ गई। अब देखिए नेट चार्ज मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलकर बने होते हैं, तो चार्ज भी आपका बेसिकली अगर हम जब चार्ज की बात करेंगे तो वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम मेनली चार्ज इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। वन कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो पूरी स्टेटमेंट है, अगर आप इसको शॉर्ट में समझे तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वन कूलम चार्ज में। तो ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वन कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दैट इज एन इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸। ये आपकी नेट चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट है वन कूलम चार्ज में। नाउ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने के लिए, कैपिटल Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू यहाँ पे चार्ज हो गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड E आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की यूनिट आपकी है −1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। ये यूनिट कई बार एग्जाम में गिवन होती है बट कई बार नहीं भी दे रखी होती, तो आपको ये यूनिट्स लर्न करनी है। इस सब के अलावा मैं आपके लिए ना इस वीडियो के बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें ये सारे फॉर्मूलेस का सीक्वेंस होगा और यूनिट्स उनका क्या मतलब है, कुछ वैल्यूज, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। आपको फॉर्मूलेस के लिए बार बार अपनी बुक को नहीं देखना पड़ेगा, आप एक शीट पे उनको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमने जितना भी कुछ इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ने वाले हैं, इन सब के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए Q इज इक्वल टू एन ई, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे तो N इज इक्वल टू क्यू ई, इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट है चार्ज के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका करंट। इससे पहले देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा उसमें करंट है, चार्ज है, ये सब बात होती है। बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये टॉपिक है। लेकिन एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी टॉपिक होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक से ही आपको पता चल जाएगा कि मीन्स कि कोई चीज़ एट रेस्ट पे है या उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि उसमें चार्ज का मूव ना होना। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सब जब छोटे होते हैं तब हम सब ने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है ना, स्केल से पेपर को रब करके उठाना और या फिर कारपेट पे चलना। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ने होते हैं। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दी है कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि कोई चीज़ जब चार्ज मूव नहीं करता या एट रेस्ट हो गया। और अब पढ़ते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम इस हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट की बात करते हैं, उसका सिंबल होता है कैपिटल आई। करंट मींस इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्जेस कॉल्ड करंट। हमने ऊपर नेट चार्ज पढ़ा है, उसका फ्लो होना उसको आप कहते हैं करंट। करंट कैपिटल आई से शो होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्यू चार्ज, टी टाइम। क्यू आपका चार्ज, इसकी ऐसा यूनिट कूलम्स होती है, तो चार्ज आपका कूलम्स में हो गया। टी टाइम मीन्स कि वो आपका सेकेंड में हो गया। करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से आप डिनोट करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है, डिफाइन वन एम्पियर या फिर एम्पियर को डिफाइन करिए, ऐसा यूनिट ऑफ करंट उसको डिफाइन करिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्पियर की डेफिनेशन है एज वन कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। वन एम्पियर इक्वल्स टू वन कूलम अपॉन में वन सेकेंड, ये सेकेंड टाइम हो गया, कूलम्स मीन्स आपका चार्ज हो गया। अब करंट में ही हमारा एक टॉपिक आता है कन्वेंशनल करंट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज है, और इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, चाहे वो बैटरी हो या सेल, उसके नेगेटिव टर्मिनल पर जाता है। अब जब कभी भी करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और ये कन्वेंशनल करंट की प्रॉपर्टी है। इसके बाद में जो जितनी भी स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं करंट में, मैंने आपको बता दिया करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, बट हर बार जरूरी नहीं है कि आपके पास एक लास्ट डिजिट पे ही क्वांटिटी आती है। कई बार बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट पे भी आपको करंट को कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो वो आपकी दो होती हैं, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर के लिए 10^-3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर। करंट के बाद में इसमें आप अपने एसआई यूनिट देखी, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कन्वेंशनल करंट पढ़ा। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि करंट को मेजर किससे किया जाता है। तो उस डिवाइस को हम एमीटर बोलते हैं। एमीटर से करंट की मेजरिंग होती है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अब जो आपका एमीटर है ये उसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि जो एमीटर है वो किसी भी सर्किट में हमेशा सीरीज में ही अटैच्ड होगा। कभी भी अगर आप रेजिस्टेंस या फिर ऐसे किसी डिवाइस की बात करते हैं तो या तो वो सीरीज में ऐड होता है या फिर पैरेलल में। आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से ऐड अप होता है। तो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सेकंड है प्रैक्टिकली जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है, लेकिन अगर आइडियली आप देखें तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। और सिंबल की बात करें तो सर्कल के अंदर ए। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट का एग्जांपल छोटा सा डिवाइस बनाया हुआ है, इसमें एमीटर सीरीज में लग रहा है, ये बल्ब, और यहाँ पे आपका सोर्स है बैटरी या फिर सेल का। आई होप आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ आया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, या फिर वॉइस की प्रॉब्लम है या राइटिंग की कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।